Good morning, my dear student of class 5th standard. Today I will start chapter 5, chapter name nervous system, and I will start new topic reflex action. In my previous class explanation done related to topic brain, spinal cord, nerve. So now I have start reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है अचानक होने वाली क्रिया. तो अब अचानक जो क्रिया हो रही है तो उसको हम अचानक होने वाली क्रिया क्यों बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है कि ये जो एक्शन है इनवॉलेंट्री है या ऑटोमेटिक एक्शन है. यानी इनवॉलेंट्री, इस पे हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, और ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप होता है विदाउट थिंकिंग. ब्रेन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता. प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्शन करते हैं. ये सो फास्ट एक्शन, ये एक्शन बहुत तेजी से होता है और इसमें ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता. और ये होता किसकी हेल्प से है? स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी नर्व. यानी स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी नर्व को मैसेज ट्रांसफर करते हैं, और सेंसरी जो नर्व होती हैं वो बॉडी पार्ट्स को मैसेज ट्रांसफर करती हैं, और बॉडी पार्ट्स एक्शन ऑटोमेटिकली करता है. तो अब इसको देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हमने बनाया कि अगर मान लीजिए कोई हॉट पेन है, घर में आपने कोई गर्म पतीला टच कर लिया, जैसे ही आप उसे टच करेंगे फर्स्ट एक्शन क्या हुआ? आपने उसे टच किया. टच करते हुए क्या हुआ? आपके हैंड में जो नर्व सेल प्रेजेंट थी, हाथों में जो नर्व सेल प्रेजेंट थी, उन्होंने मैसेज किसको भेज दिया? स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड को जैसे मैसेज गया, उसने तुरंत मसल्स को मैसेज दे दिया. अब किस मसल्स को मैसेज दिया? जो आपके हैंड में थी. अब यहां भी ये चीज समझिए, आपकी हैंड के अंदर जो नर्व सेल थी, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया, और स्पाइनल कॉर्ड ने मसल्स को मैसेज कन्वे किया, और मसल्स के अंदर जो नर्व सेल प्रेजेंट थी उनको किया, और मसल्स ने आगे वाली हैंड की जो मसल नर्व्स थी उनको मैसेज कन्वे किया, और हैंड क्या हो गया? रिमूव, यानी कि उसने अपना हाथ पतीले से हटा लिया. तो अब मैं ये जो बोल रही हूँ, बोलने में मेरे को टाइम लग रहा है तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अचानक किसी चीज को टच करते हैं, आप देखिएगा आपके ब्रेन के इन्वॉल्व हुए बिना आपकी बॉडी का पार्ट्स अपने आप पीछे हट जाता है. आप पहले हाथ पीछे हटाते हो, फिर चिल्लाते हो कि मेरे को दर्द हो रहा है. तो ये क्या है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन के ये एग्जाम्पल है. वेरी इंपॉर्टेंट है कि हैंड के अंदर नर्व सेल प्रेजेंट थी, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दे रही है, स्पाइनल कॉर्ड मसल्स को मैसेज दे रही है, और मसल्स फिर से हैंड की नर्व सेल्स को मैसेज दे रहा है, और आप हाथ को पीछे की तरफ करते हैं. अब हमारी रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो गई. इसमें अगर लर्न करने वाली कोई चीज है तो इनवॉलेंट्री है एक्शन, ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, हम खुद को सेव करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, और ये बहुत फास्ट एक्टिविटी होती है. और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी नर्व को मैसेज कन्वे करेगा, और वो बॉडी पार्ट्स को करेगी. तो आज हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया. अब हम अपनी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं. प्रीवियस में देखिए, मैंने आपको नर्व भी पढ़ा दिया है, ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़ा दिए हैं. अब देखिए सेंसरी नर्व क्या काम करती है? ब्रेन से मैसेज लेती है. सेरिब्रम क्या करता है? ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, मेमोरी, किसी चीज को याद रखने का काम. मेडुला क्या है? मेडुला ब्रेन का स्टम्प रूट बोला जाता है, जो हमारी गर्दन से अटैच होता है. ये क्या करता है? बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन करता है. सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है हमारी ब्रेन का, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है बैलेंस और मूवमेंट को. सॉरी मैं कुछ गलत बोल गई, ये सबसे बड़ा पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है बड़ा. मोटर नर्व क्या करता है? मोटर नर्व क्या करेगा? मैसेज कन्वे करता है ब्रेन को. तो ये हमारी प्रीवियस नॉलेज हो गई. ये क्या है? ब्रेन का फर्स्ट बिग पार्ट है, जो क्या काम करता है? इनवॉलेंट्री यानी मेमोरी को कंट्रोल करने का. और सेरिब्रम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, वो क्या करता है? हमारे बॉडी का बैलेंस, टेम्परेचर और मूवमेंट को कंट्रोल करता है. तो थैंक यू सो मच.